हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय डेविड लाइफ चैनल। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, मस्त हो और ब्लॉगिंग को एंजॉय कर रहे हो और मेरे से मिलकर खुश हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तो आज का ब्लॉग आपको पता है टेबल लगा हुआ था, ऑफकोर्स फूड चैलेंज होगा। तो उससे पहले हम डेविड को बुला लेते हैं ताकि डेविड अपने आप ही आ गया। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग। एंड बहुत दिन बाद मोमो से मिला हूँ, एक हफ्ता हो गया यार, मैं मिल नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बिजी था। मोमो तो बिजी रहती है हमेशा, जब मैं बिजी हो जाता हूँ तो पॉसिबल ही नहीं होता है मिलना। बहुत क्यूट लग रही थी, मैं मिला था 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद मिला हूँ तो यार क्या बोलूँ मैं। तो और गाइज, जो हम लोगों ने शूट किया था ब्लॉग डेयर वाला, मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ उसके लिए। डेयर वाला ब्लॉग हम जल्दी ही बनाएंगे, आपके सारे डेयर मोमो ने लिख के रख लिए हैं। बाय नेम सबका नाम के साथ डेट लिखा हुआ है। जल्दी हम उसे ब्लॉग बनाएंगे, हमें टाइम नहीं मिला, नहीं बना पा रहे उसके लिए सॉरी, बट हम जल्दी तैयार करेंगे वो ब्लॉग। हाँ, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर गर्मियों से पता नहीं आइसक्रीम से आप लोग को क्या दिक्कत है, आइसक्रीम के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने को बोला, बाहर जाके करने को बोला है। तो हम सोच रहे हैं कि अच्छे से जब भी टाइम मिले तो आउटडोर में जाके हम सब करें। तो उसके लिए वेट कीजिए, हम अच्छा बनाएंगे, इसलिए हम थोड़ा रुक के बनाएंगे उस ब्लॉग को। और गाइस जल्दी मैं योगी जी से मिलने वाला, मेरा वो ब्लॉग भी देखना। और जल्दी मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, सारे बॉयज प्लान है। बेचारी मोमो नहीं जा सकती क्योंकि अपना ऑफिस का काम कर रही है ये। तो बॉयज प्लान और ऑफिस के काम में फर्क समझ पा रही नहीं। बॉयज प्लान और ऑफिस का काम है, सारे लड़के जा रहे हैं, मेरे ग्रुप वाले जा रहे हैं, मेरा डांस ग्रुप है। ऑफिस का काम से मतलब नहीं है, सारे लड़के जा रहे हैं ऑफकोर्स, तो समझ गए, बैचलर जा रहे हैं, बच्ची तेज है। तो यार ये सारी बातें आपने खत्म करते हैं, यहीं इसको रोकते हुए फुल स्टॉप लगा देते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो गाइस आज की वीडियो हम करने वाले चिकन चावल चैलेंज अगेन, और मजा आने वाला है गाइस, स्किप मत करना क्योंकि आप लोग कहते हो कि फूड चैलेंज व्लॉग वाला फूड चैनल वाला लाए चिकन चावल चैलेंज है मोमो। हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट कमेंट में देखा था कि हमें डेविड को ऐसे ही और देखना है, मतलब चुटका बनते हुए, तो वी थॉट कि हमें अगेन करना चाहिए फूड चैलेंज। चुटका पुटका नहीं है लेकिन पनिशमेंट ऑसम है, मजा आ जाएगा, जो जीतेगा वो उसके ऊपर है। तो जल्दी से सजा लेते हैं प्लेट, टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का, और सॉरी आपको पका दिया हो तो। और जाते जाते इतना बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। जो भी नए लोग जो हमें फेस देख रहे हैं, नए नए फेस, प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दे दीजिए आपके साइड से, कमेंट जरूर डाल देना नीचे। श्योर कपल मोमो के साइड से प्लीज़ कमेंट डाल दो, जल्दी से जल्दी कमेंट डालो, आधे दो मिनट में प्लीज। मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ आप लोग को, करते रहो। तो यार फाइनली हम लोगों ने अपना टेबल सजा लिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा इसमें मेरे चावल है और उसमें मोमो के चावल है और बीच में मेरा लेग पीस है और बीच में मोमो का लेग पीस है। आई मीन टू से चिकन का, मैं हाँ, यू मीन क्या, यू मीन टू से, अरे कहना क्या चाहते हो, यू मीन टू से, मुझे नहीं पता यार इंग्लिश नहीं आती, मोमो को अच्छी आती यार, तो दिन थोड़ा इंग्लिश में लाइन बोल दी मोमो यार, थोड़ा सा क्या कुछ भी चिकन लेग पीस। वाह क्या लाइन था यार, दिल खुश कर दिया यार, वाह कसम। तो यार देखो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो पहले फिनिश करेगा वो जीतेगा, वो विन कर जाएगा। तो यार प्लीज़ वीडियो में प्यार देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। और हाँ, चैलेंज को हम करते हैं स्टार्ट। जोरेगी जो भी पनिशमेंट रहेगा वो आपको एंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पनिशमेंट एकदम मस्त होते हैं। तो बिना टाइम करे करते हैं चैलेंज को स्टार्ट करते हैं हम चैलेंज स्टार्ट। को तो मेरे पास एक चिकन है, डेविड के पास मतलब एक चिकन लग पे सर, प्लेट भर के हमारे पास चावल है और मेरे पास थोड़े से दाल है। दाल हमने इसलिए लिया क्योंकि डेविड ने पापा को बोला था कि मेरे को फ्राइड ड्राई वाला चाहिए। पापा आई लव यू। चिकन सच में बहुत अच्छा बना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ही ज़्यादा यार। पापा यार, पापा आई लव यू, सच्ची में कसम से कह रहा हूँ क्या बना है चिकन यार।
और आज मैं मम्मी को पनिशमेंट दूंगा। हाँ सर, लल टॉप बनाऊंगा तेरे को। इस बार कोई चुटका चुटकी नहीं होगा क्योंकि हम उससे बोर हो गए, तो मैं जीतूंगी तो मैं कुछ अच्छा सा दूंगी। सोच रही हूँ आप लोगों ने इतने सारे डेयर दिए हैं, मैंने लिस्ट बनाई उसी में से कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छे अच्छे डेयर दिए हैं। साथ उठा लिया आपका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लापरवाही का नतीजा। और भाई कुछ लोग कहते हैं हम चैलेंज थोड़ा स्लो करते हैं, स्लो इसलिए करते हैं कि फास्ट खाते हैं तो गले में फंस जाता है, पता चैलेंज करते करते टपक गए तो, इसलिए हम चैलेंज थोड़ा स्लो करते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं आपसे। मुझे पता है गाइस, झूठ नहीं बोलूँगा, हमें लेग पीस खाता देखा आप लोगों को लेग पीस खाने का मन कर रहा होगा। नहीं जीत पाएगी मोमो इस बार, लास्ट टाइम मोमो ने मुझे हरा गया था, आज मैं रिवेंज लेने आया हूँ और लेके जाऊँगा। वो तो अभी से गिव अप लग रहा है, गिव अप कर दें खाना नहीं पड़ेगा इतनी जल्दी, फिर कर दे गिव अप, जिद्दी लड़की, मतलब हार के मानेगी। हाँ मैंने अभी हार नहीं मानी है, पर तो हार रहेगी, हार जाऊंगे तो वो अलग बात है, पर कोशिश हमें करते रहने चाहिए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सच बात तो ये है, ये फूड चैलेंज के लिए सुबह से कुछ नहीं खाया है तो फिर तो प्लेट तो ऐसे खत्म हो जानी है। खाया आज मैंने बाहर दो अंडे, अंडा मना करा। अगर डॉक्टर साहब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अंडा खा रहा था आज, डॉक्टर ने सबसे मना किया है अंडा खाने के लिए क्योंकि मेरे फोन बोल रहा, मेरे फेस पे इन्फेक्शन हो रहा था अंडा खाते ही, पर तभी मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल कहता है कि खाओ, खा के मरो, एक ना एक दिन मरना तो है ही। क्यों ना खा पी के मरो। ओहो मोमो का प्यार मेरे चावल छुटा दिए। मैं को एक बात ध्यान आई है, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखे थे, आप लोग मेरे को जवाब देना, कल बड़ी है भैंस, उसका आंसर मिल गया है साइंटिफिक। क्यों? उसका आंसर आ चुका है। कैसे? जैसे मुर्गी आई है अंडा आया, तो अंडा आया है साइंटिफिक, मुर्गी नहीं आई है। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे हाँ अंडा कहाँ से आया फिर, तो वो जाके गूगल करो, मैं नहीं बताऊंगी, तो तुम बताओ अकल बड़ी है भैंस। भैंस जैसे अकल पाई है वैसे तो आंसर आएगा। इसने गाइस पूछा अकल बड़ी की भैंस, तो साइज में तो भैंस बड़ी हुई ना, जितना अकल है उतना ही जवाब है। आप लोग बताओ सोच के समझ के। मेरे हिसाब से तो भैंस बड़ी है। मामा गिव अप कर दे भाई, कितने सकती है ना। Ha 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 ha!
देखो मैं सही साबित हुआ ना, भैंस बड़ी है भैया। अक्कल काम नहीं आ रही, भैंस काम आ रहा, भूसा खा रहा। देखो कैसे बात हो नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में दाल डाल ली ना तो लहसुन आ गया मेरे मुंह में, तो कड़वा हो गया मुंह मेरा, वरना मैं और हार जाऊं। दाल तो मैंने भी डाली थी, लहसुन तो मैंने भी खाया था, अपना अपना स्वाद है। ये बात भी है, सच होता अगर मैं ये चावल भी दूंगी तब भी खा जाओगे ना, सच होता। बोला ना, पूछा ना इसने, अकल बड़ी की भैंस। फिलहाल अब ये भैंस बंद करते हैं, जब तक आप कमेंट करते रहिए, ये मत बोले कि भैंस को ही बदनाम कर दिया हम लोग ने बोल बोल के। नहीं फिर कहेंगे मुर्गा खा रहे और भैंस का नाम ले रहे हो तो तौहीन। नहीं गाइस देखो मेरा बात फिनिश हो चुका है, अब तू स्टॉप कर सकती है भाई। हाँ मैं जीत चुका हूँ, मैं स्टॉप हूँ, बस चिकन का लेग पीस खा रही हूँ। तेरे तो अपना खाती रहेगी आराम से, तब तक मैं ये हटा लेता हूँ, पूरा सफाई कर लेता हूँ। देखिए आप लोग देख ही रहोगे, आई एम द विनर। सॉरी मुझे बोलना चाहिए। एक और चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ, जेन्युइन तरीके से बता देती हूँ, डेविड कभी जान के नहीं हारता, वो हार ही जाता है ठीक, और वो जीत ही गया है। आप हर 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 डेयर में बोलते डेविड कभी जान के हार, हर डेयर में, पर ऐसा नहीं है। सपोर्टिव थैंक यू, सपोर्टिव तो आपके लिए भी है। थैंक यू गाइस, क्योंकि आप सब लोग हम लोगों का प्यार देते हो। तो गाइस जल्दी से हम सफाई कर लेते हैं, फिर पनिशमेंट के साथ आते हैं। A few moments later. तो हम लोग ने चैलेंज, मतलब हमारा चैलेंज ओवर हो चुका है, मैं हार चुकी हूँ, टेबल भी साफ हो चुका है, और बस अब पनिशमेंट की बारी है, तो क्या ही कर सकते। तैयार है? मैंने अभी डेविड को, मतलब कैमरा ऑफ था, ऑफ कैमरा मैं बोल रही थी कि जो भी पनिशमेंट देना है प्लीज़ इधर का इधर ही रफा दफा कर देना, कोई आगे पेंडिंग वेंडिंग वाला सीन नहीं रखने का, नहीं, है गाइस, देखो। कोई लंबा डेयर भी नहीं रखना, यहीं के यहीं पे कर देने का है। नहीं, नहीं। उन्होंने बोला मेरा डेयर है, मैं मतलब मेरा पनिशमेंट जो होगा मैं तुम्हें दूंगा। तो गाइस मेरा पनिशमेंट ये है कि देखो कल पूरे दिन भर मेरे साथ है, तो ये ना यार करती तो मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन ना मुझे बोलना पड़ता है कि हम ये कर दें तब कर देते, बिना बोले आज तक कुछ नहीं किया मेरी बच्ची ने मेरे लिए। तो कल मैं पूरा बोल बोल के से सारे काम कराऊंगा, कल क्या मैं अभी से ही इसे काम कराना स्टार्ट करूंगा। पनिशमेंट ये है इसकी गाइस कि दिन भर मेरा क्या ना मानेंगे, जो बोलूंगा वो करेगी। यार ओ है योगी जी आ रहे हैं, तो योगी जी आ रहे हैं, ओह बुलडोजर बाबा की धमकी दे रही है मुझे। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना मोमो गधा कैसे बन गई। नहीं मोमो गधा नहीं बन सकती, मोमो गधी है मोमो। हाँ भाई मोमो कन्वर्ट इनटू गधी। ये मेरी गधी है प्यारी सी, काम वाली भाई, फिलहाल तो मेरे घर पे नहीं आती है। कोई बात नहीं, तब भी सारा मोमो काम कर लेती है। हाँ। तो क्या सर प्लीज, और यहाँ पे इंस्टा का पेज का नाम आ जाएगा, फॉलो कर लो, मेरा चैनल है डांस का, और जल्दी ही मैं ट्यूटोरियल वीडियो डालने वाला डांस की गई, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप डांस वीडियो सिखाऊंगा, मतलब डांस के स्टेप सिखाऊंगा। तो आप प्लीज़ उस चैनल को फॉलो कर लो, जाके आप सब्सक्राइब कर लो, डेविड फील के नाम से मेरा चैनल है, शॉर्ट चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बेचारे का पनिशमेंट लेके।
तैयार हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं इसकी पनिशमेंट। देखो अभी से स्टार्ट है पनिशमेंट।